तो ये रहा होटल का टेरेस। शी इज वेरी नाइस। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज है डे थ्री, मतलब आज एक तारीख है, 1 मई है आज। और मैं आ गया था, ये दूसरे, कल मुझे वो जो ड्राइवर था वो यहाँ छोड़ के गया है, दूसरा होटल है। तो इसमें क्या है कि मुझे 2-3 दिन ऐसे ही रहना है। और मैं एक्चुअली, मेरा एंटीजन किट का टेस्ट हुआ था फिर से, तो उसमें नेगेटिव आया। तो अब मैं, तो ऐसा है कि मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, लेकिन मैंने इन्फॉर्म नहीं किया वैसे अथॉरिटी को कि मेरा नेगेटिव आया, क्योंकि वो PCR टेस्ट ही मांग रहा है। PCR टेस्ट इतना महंगा है यहाँ पे ना कि मैं उनको बता भी नहीं रहा हूँ। तो अभी मैंने खाना मंगाया है एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से, तो 90 baht का पड़ा। और ये अच्छी बात है कि ये जो मेरा ये वाला कार्ड है ना, ये हर जगह काम कर रहा है। मतलब ये कहीं भी स्वाइप में काम कर रहा है, ATM विड्रॉल में काम कर रहा है, मतलब फूड पांडा ऐप हो गया, ग्रैब, सब में काम कर रहा है ये। और इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं है। जो करेंसी कन्वर्जन रेट है ना, उससे मतलब 5-6 रुपये का ऊपर नीचे है बस। मतलब जैसे कि अभी मैंने 90-100 baht का मंगाया, तो वो होना चाहिए था 210 रुपये के आसपास, तो 212 रुपये कटे मेरे अकाउंट से। तो 2 रुपये का क्या ही चक्कर है। तो फिर अभी खाना आता है, मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया हूँ, डायरेक्ट खाना ही खाऊंगा, क्योंकि मैं आज बहुत लेट सो के उठा। अभी यहाँ थाईलैंड के टाइम के हिसाब से हो रहा है 1:36, इंडिया टाइम हो रहा है 12:06। तो देखते हैं, अभी नहाऊंगा, उसके बाद फिर खाओसान रोड में हूँ, वैसे मैं खाओसान जा सकता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ नाइट के लिए वो फेमस है। तो देखते हैं क्या होता है, मैं सारी अपडेट देते रहूँगा। देखो ठीक है फिर। और बाहर से मेरा विंडो से व्यू भी दिख रहा है, छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, AC लगा हुआ है, बहुत ठंड हो जा रहा है। और ये मेरा बेड है, तो ठीक है फिर मैं दिखाऊंगा। मैं पहले बाहर का व्यू दिखाता हूँ कैसा है, कुछ दिखेगा नहीं वैसे, वायर और पेड़ है बाहर, लेकिन चौक अच्छा है, दिखाता हूँ। तो ये देखो जी, ऐसा है कुछ बाहर का व्यू। और बाहर से रात को तो इतनी तेज तेज गाड़ियों की आवाज़, जैसे मोटरसाइकिल बाइक की आवाज़ ना, वो साइलेंसर की आवाज़ इतनी तेज तेज, लेकिन कोई इशू नहीं है, सो सकता है इंसान। और यहाँ पे एक वो वाला है, और एक ब्लैकआउट कर्टन है, और एक नॉर्मल सा कर्टन है। तो ये बाहर का व्यू है, वहाँ सामने सीधा देखोगे तो मैकडी भी है, रुको दिखाता हूँ, मैकडी एम दिख रहा है, मैकडी है। और यहाँ से पीछे अगर मैं जाऊँ तो खाओसान रोड पड़ता है, और ये कोई सा चौक है। और ये सारे रूम्स जो भी होते हैं ना थाईलैंड के, सारे नो स्मोकिंग रूम होते हैं। अगर आप यहाँ स्मोक करते हैं तो ऊपर में स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, तो अगर आप स्मोक करते हैं ना तो इसमें 2000 baht का फाइन है, मतलब वही कहीं 5000 रुपये के आसपास। और इसमें कुछ लिखा हुआ है कि इस चौक से जो भी है कि रॉयल फैमिली जाती है, तो कोई फ़ोटोज लेना अलाउ नहीं है, अगर फ़ोटो लेने पकड़े गए तो कोई अथॉरिटी की तरफ से आपको कुछ सेवरल फाइन्स लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, मैं तो खिड़की से बाहर ही नहीं देख रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है वैसे भी, क्योंकि एक्चुअली मैं भी बाहर जाता हूँ, देखता हूँ फिर। तो मैं अभी रेडी हो गया हूँ बाहर कहीं जाने के लिए। मतलब यहाँ पे खाओसान रोड है 400-500 meters में, तो मैं शायद वहाँ जा सकूँ, देखते हैं। टैक्सी वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस एक मतलब रोड से ही, मतलब पैदल पैदल जाऊँगा, क्योंकि ये पीछे में 400 meters है, वही 5 मिनट के आसपास का वॉक होगा। तो अभी वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है, कैसा सीन है, क्या चल रहा है, फिर अपडेट दूंगा मैं। हेलो, सो आई केम आउटसाइड एंड ये खाओसान रोड है, वीडियो बना रहा हूँ मैं खाओसान रोड का थोड़ा बहुत। बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रिप, मतलब सब फॉरेन के ही हैं, और ज़्यादा लोग क्या है, मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ यहाँ पे, जो नाइट वाला जो सीन होता है ना, डांस एंड पब, वो होता है आफ्टर 8 PM। सो अभी तो 6 भी नहीं बजे, 5:30 हो रहे। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं, और इंडिया के हिसाब से इंडिया में शायद 7:30 हो रहे होंगे, 1.5 घंटे का फ़र्क है। तो अभी मैं तो घर आ गया, मतलब मैं अपने रूम आ गया, जो भी घर तो नहीं बोलूँगा, रूम आ गया। और कल का प्लान कुछ डिसाइड नहीं किया हूँ वैसे,
क्योंकि यहाँ पे कुछ सीन ऐसा है कि मैं अभी एक आइसोलेशन रूम में हूँ जैसे कि बताया था, बट ये है कि मेरे अंदर कोई भी सिम्टम नहीं है और मैं नेगेटिव हूँ, तो माइट बी पॉसिबल कि मैं सुबह कहीं घूमने निकल जाऊँ। इसलिए अभी सोच रहा हूँ कि जल्दी सो जाता हूँ, टाइम 9 बज रहा है, अगर मैं जल्दी उठ जाता हूँ 7-8 बजे तक, फिर नहा वहा के मुझे पहले तो एटीएम जाना पड़ेगा क्योंकि मैं बिल्कुल आउट ऑफ फंड हूँ, मेरे पास कैश थोड़े बहुत बचे हैं, वही 3-4 हज़ार बाद, मतलब वही 10-11 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़ बचे हैं, तो मैं कल जाके 10 हज़ार बाद और निकाल लूँगा, अराउंड 22-23 हज़ार रुपये कैश थाई बात में, तो फिर घूमने कहीं जाऊँगा। अकेले के लिए तो यही काफ़ी है, क्योंकि खावसन रोड में गया था, वहाँ पे पब क्रॉल देखा मैं, पब क्रॉल लोग कर रहे थे, और मेरा क्या है ना, यहाँ पे आइसोलेशन है ना, तो 8 बजे तक वो जो हाउसकीपिंग है वो लॉक कर देते हैं, तो फिर ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, तो ये इशू हो जाएगा अगर मैं बाहर चले गया और वो लॉक कर दिए, और मुझे तो कोई लैंग्वेज आती भी नहीं है, तो हाउसकीपिंग को कैसे कॉन्टैक्ट करूँगा मैं। हेलो सो, करेंटली मैं अभी कौन सी एम मॉल आया हूँ हेलो सो करेंटली मैं अभी कौन सी एम मॉल आया हूँ तो यहाँ से मैं अंदर जा रहा हूँ अभी, मैं ग्रैब में टैक्सी में आया था। ऑफिशियल एप्पल स्टोर, और इतना बड़ा एप्पल स्टोर है ये। ये रहा रेस्टोरेंट, मसाला आर्ट के नाम से है, और ये 5th फ्लोर में है इन कॉन्सियम के, और ये लोग हिंदी जानते हैं सबसे बड़ी बात। तो अभी एक मैं इंडियन रेस्टोरेंट में आया हूँ चाय पीने के लिए, और देख रहा हूँ कुछ मिल जाए खाने का तो बढ़िया, फिर यहाँ से चले जाऊँगा मैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पे बैठने का भी 25 बात देना पड़ता है, मतलब अराउंड 60 रुपये के आसपास, तो मैनेजर बोलता है कि बैठ जाओ मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाय आ गया और पीते हैं, फ्रेंड से खाना खा लिया, मतलब कुलचा खाया, पनीर कुलचा एंड चाय पिया, तो उन्होंने मैनेजर ने मुझसे सर्विस चार्ज मतलब पे करने नहीं बोला, क्योंकि डोंट नो मैं इंडियन हूँ इसलिए शायद ये भी, और ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह देखने के लिए क्या हो रहा है। और यहाँ पे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं अलग अलग, जैसे थाई हो गया और जापानीज़ हो गया, कोरियन हो गया, सामने आइसक्रीम की शॉप है, और भी बहुत कुछ है, ऊपर ऊपर भी टेरेस है, टेरेस में टेरेस चाहता हूँ, टेरेस देखता हूँ फिर हम निकलेंगे यहाँ से। टेरेस पे आ गया हूँ और यहाँ का व्यू क्या सही है, मतलब गुड आफ्टरनून यहाँ के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से तो गुड मॉर्निंग, और
आई डिडंट रियलाइज, मैं रियलाइज नहीं किया था कि आज मेरा थर्ड डे है इस होटल में. तो द हाउस कीपिंग मैम केम एंड वो बोली कि आपका 3 दिन हो गया है यहाँ पे एंड यू हैव टू पे मोर इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे हियर फॉर मोर देन टुडे. तो मैं बोला कि नो आई डोंट वॉन्ट बी स्टे हियर एंड मुझे थोड़ा टाइम दे दो, क्योंकि मैं 12:30 बज गए अभी और चेकआउट का टाइम हो गया था, मेरे को पता ही नहीं चला. तो शी जस्ट केम एंड टोल्ड मी टू वेकेट द रूम जस्ट बिकॉज उसको क्लीनिंग, उनको क्लीनिंग करनी होती है. तो मैं जा रहा हूँ, मैं उनको बोला हूँ कि मेरे से 1 घंटे या 45 मिनट दे दो, मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ अगोड़ा से कोई और बुकिंग करूँगा, कोई दूसरा होटल, क्योंकि इस प्राइस रेंज में तो मुझे इससे बेटर होटल ही मिल जाएगा. छोटा रूम है और इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, सस्ता भी मिल जाएगा यार आसपास ही. तो बस वही करता हूँ, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, नहाता हूँ वॉशरूम में और फिर. और बाहर का कुछ व्यू ऐसा है, मतलब वॉशरूम से बाहर ऐसा है और ये मतलब कॉमन जैसा ही है. मैंने जो चूज़ किया था ना वो कॉमन वॉशरूम वाला ही मतलब यूज़ किया था. वो है मेरा रूम जो ओपन है अभी. ये कॉरिडोर है यहाँ का, यहाँ पे सिटिंग एरिया है. ठीक है फिर, मैं मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ अपना जो भी काम होता है और फिर यहाँ से निकलते हैं. आई एम लिविंग दिस होटल एंड शी इज़ माई हाउस कीपिंग स्टाफ, शी इज़ वेरी नाइस. बाय बाय. तो अभी मैं 7-Eleven आया था और मैंने कॉफ़ी ली, एक कैपेचिनो. वैसे गुड. सो दिस इज मी. यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ खाओसान की तरफ, जहाँ पे मैंने दूसरा होटल लिया है 1 दिन के लिए.